हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए दोस्तों, मैं हूँ सुकेश पटनागर। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लेके आते हैं आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर्स, और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स पर मेरे साथ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों को शेयर कर दो। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग प्रिया जी, और कैसे हैं भाई आप सब लोग, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग भाई रंजन, जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए सारे फ्रेंड्स, ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम पांडे जी। चलो तो चलिए दोस्तों, करते हैं फिर आज की करंट की कहानी को शुरुआत। आज मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ पढ़ें दोस्तों। देखो, एक्चुअली आपने देखा होगा सैटरडे में करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हुई थी, है ना? तो 14th ऑफ अगस्त, 15th और टुडे, यानी कि आज तीनों को कवर करेंगे। तो आप समझ रहे होंगे थोड़ा सा न्यूज़ दोस्तों थोड़ा सा आज ज़्यादा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और रूल आपको बताइए अपनी क्लास का, आपको क्या करना है दोस्तों। जो जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता रहूँ उनको आप कमेंट में लिखते रहना, ठीक है? ये आप करते चलो और आगे बढ़ते चलो। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग प्रिया जी, गुड मॉर्निंग अर्चना। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुभारंभ। तो कमेंट बॉक्स में लिख दो क्या आप लोग तैयार हैं, आर यू रेडी? स्टार्ट किया जाता है, जल्दी जल्दी बताओ। सारे कमेंट्स आपके देखे जा रहे हैं, डोंट वरी, परेशान मत होइए। लीजिए भाई पहली न्यूज़ देखते हैं। मॉर्निंग भाई, मॉर्निंग सुमन जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। लीजिए भाई, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, जिसमें बोला गया है कि ड्यू टू पैंडमिक, जैसे कि आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के कारण, 2020 से 21 में जो नंबर ऑफ बिलियनियर्स हैं हमारे इंडिया में, वो भाई कम हो चुके हैं। भाई अगर देखा जाए तो पहले 141 थे, 141 थे, अब रिड्यूस होके 136 हो गए हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ये बात है 19 से 20 की दोस्तों, और ये बात है 20 से 21 की, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है FY का, तो 20 से 21 में 136 हो चुके हैं, ऐसा यहाँ पे अभी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अभी डेटा राज्यसभा में बताया गया है, ये आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पे एक बात और बोली गई है कि अगर हम बात किया जाए कि 18 से 19 को लेकर अगर बात करें, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में, तो जो हमारा ग्रॉस टोटल एनुअल इनकम था वो मोर देन हमारा 100 करोड़ कितने लोगों का था दोस्तों, 77 लोगों का था। ये भी यहाँ पे राज्यसभा में इनके द्वारा बात बोली गई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। तो एक सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, एक बार जल्दी से कमेंट में लिखते करो कि नंबर ऑफ बिलियनियर्स इंडिया में कितने हो गए, घट के 136 हो गए। लीजिए भी अगली न्यूज़ के बारे में अगर दोस्तों बात किया जाए तो बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई। अभी हाल ही में हमारे जो है स्काईट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स हुए हैं 2021, और उसमें जो है हमारा जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भाई हमारे वर्ल्ड के टॉप 50 एयरपोर्ट्स में रहा है, याद रखना। और अगर मैं इस एयरपोर्ट की रैंकिंग बताता हूँ दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखना है, 45 नंबर पे। एक्चुअली लास्ट ईयर ये 50 नंबर पे था, 50 नंबर पे लास्ट ईयर पिछले साल, और अब ये 5 स्थान और पीछे खिसक के बढ़िया इस प्लेस पे आ गया है, अंडर 50 हो चुका है, मीन्स 45 पे हो चुका है। और याद रखना, ये पहला इंडियन एयरपोर्ट है जो कि टॉप 50 लिस्ट में शामिल हो चुका है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। दूसरी चीज़, एक इंपॉर्टेंट बात किया जाए, इसके अलावा कितने एयरपोर्ट हैं इंडिया के वो शामिल हैं, देखो एक तो दिल्ली वाला हो गया, इसके अलावा 3 और हैं दोस्तों, एक हैदराबाद, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो इसकी रैंकिंग है 64, मुंबई 65, और बेंगलुरु हमारा 75। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मन में आएगा सर, दुनिया में पहला नंबर वन पे कौन है, फर्स्ट पे कौन है? तो भाई नंबर वन पे अगर बात किया जाए तो टॉप 5 एयरपोर्ट्स आपके सामने हैं, इसमें पांचों तो मत याद रखना, लेकिन दोस्तों फर्स्ट तो बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, और वो है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ का, दोहा कतर का, ये आपको पता होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों फटाफट कमेंट में लिखते चलो। अगर एग्जाम में पूछे कि टॉप 100 एयरपोर्ट लिस्ट जो आई है हमारी स्काईट्रेक्स की, उसमें इंडिया के कितने एयरपोर्ट हैं, फटाफट कमेंट में लिखो। 4 नंबर 1 पे हमारा टॉप 50 में कौन आ चुका है, दिल्ली, और नंबर 1 पे कौन है, हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पता होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लीजिए भाई अगली न्यूज के बारे में अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, तो अभी 13th ऑफ अगस्त वाले दिन एक डे बनाया गया, इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे। तो भाई ये लेफ्ट हैंडर्स डे के नाम समझ में आ रहा होगा, ये जो हमारे लेफ्ट हैंडर्स होते हैं, जो लोग लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, राइट हैंड को मतलब राइट हैंड से भी करते ही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन लेट हम लेफ्ट हैंडेड ज़्यादा होते हैं, उनको एक तरीके से उनके रेस्पेक्ट में है ये डे, याद रखिएगा। और ये जो पहली बार बनाया गया था दोस्तों, 1976 में बनाया गया था, किसके द्वारा, डीन आर चैम्बल, द फाउंडर थे हमारे लेफ्ट हैंडर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे, उसके फाउंडर थे, उनके द्वारा से बनाया गया। तो सिंपल में पूछा जाए लेफ्ट हैंडर्स डे कब होता है, सारे दोस्त कमेंट मेरे को 13th ऑफ अगस्त। लीजिए भाई
भाई जैसे कि 13 अगस्त को लेफ्ट हैंडर्स डे था, वैसे ही 13 अगस्त को एक और होता है दोस्तों, वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशन डे। अब आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। लोगों को मोटिवेट करना कि आप आफ्टर डेथ अपने ऑर्गन्स को डो आप क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। वैसे भी दोस्तों सीधी सी बात है, ऊपर जाओगे तो कुछ लेके तो वैसे भी नहीं जाना है ना। इससे आपके ऑर्गन्स किसी काम आ जाएं तो कितनी अच्छी बात है। हो सकता है बेचारा कोई जिसकी आंखें ना, उसे आंखें मिल जाए, है ना, जिसको कोई और समस्या उसे वो चीज़ मिल जाए, तो आप पर आपका लाइफ भर वो आपका क्या रहेगा, एक तरीके से सम्मान करेगा आपको, बहुत ही कहते हैं शुक्रगुजार रहेगा। तो याद रखना सिंपल, वर्ल्ड ऑर्गन डे का होता है 13 अगस्त को, होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। जैसे कि हम देखते हैं एशिया का ओल्डेस्ट और वर्ल्ड का जो थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसका नाम है डूरंट कप, ठीक है। तो भाई ये वापिस आ रहा है आफ्टर ए गैप के बाद, 1 साल के गैप के बाद, क्योंकि भाई पिछले साल आपको कोविड के कारण नहीं हो पाया था जैसे कि हम सब जानते ही हैं। तो अभी अनाउंस हो चुका है कि ये कोलकाता में होगा। कहाँ पे होगा दोस्तों? कोलकाता में। कब? सितंबर में, 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा, और ये इसका 130 एडिशन रहेगा, ठीक है। ड्यू टू कोविड-19 देखो लिखा भी है, ये हमारा लास्ट सेशन इसका नहीं हो पाया था, कैंसिल हो गया था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना दोस्तों, ये जो हमारा ये जो टूर्नामेंट है, फर्स्ट टाइम कब हुआ था? फर्स्ट हुआ था 1888 में, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1888 में। और ये कहाँ हुआ था दोस्तों? दत्तसाही यानी कि हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये जो डूरंड कप है, इसका जो नाम आया है दोस्तों, ये किसके नाम पर आया है? मोर्टिमेर डूरंड के नाम पर आया है, जो क्या थे उस समय की अगर बात किया जाए तो फॉरेन सेक्रेटरी थे हमारे इंडिया के, ठीक है। तो इन्हीं के रेस्पेक्ट में इसका नाम डूरंड कप रखा गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है दोस्तों। लिखा करो कमेंट में, सारे दोस्त लिखा करो, कोई भी कंजूसी ना करा करो, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा आप सबसे, समझे। लिखते रहा करो, आगे बढ़ चला करो। लीजिए अगली न्यूज़ आपके सामने, बड़ी बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है भाई। अभी हाल ही में बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं शाकिब अल हसन, तो नाम तो सुना ही होगा, बांग्लादेश के हैं, और वेस्ट इंडीज की स्कीपर टेलर जी, एस टेलर, स्टेफनी टेलर। तो दोस्तों अभी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई आ चुके हैं मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी में, और इन दोनों को मिला है। मेंस में हमारे कौन है जल्दी लिखो, शाकिब भाई, और वुमेन में कौन है? टेलर। तो एस टेलर और वुमेन में टेलर है, और शाकिब जी कौन है हमारे? मेंस का इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है जुलाई मंथ का, याद रखिएगा। और ये दोनों ये भी याद रखना दोस्तों, कहाँ कहाँ कौन से गोले के प्राणी हैं, ये बांग्लादेश गोले के हैं और ये वेस्ट इंडीज की हैं, ये भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और इनके बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा घर पर रीड कर लेना, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या, इन्होंने क्या क्या आज तक जो है कहते हैं ना, क्या क्या अचीवमेंट्स इनके द्वारा हासिल किए गए, वो थोड़े से यहाँ पे लिखे हैं। चलिए भाई, बड़ी प्यारी न्यूज़ आपके सामने। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा दोस्तों, एनपीसीआई, है ना। तो इसने अभी नुपुर चतुर्वेदी को चुन लिया है एनपीसीआई भारत बिलवे लिमिटेड का सीईओ। लो भैया, बड़ी प्यारी न्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। तो भाई सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, एनपीसीआई भारत बिलवे लिमिटेड, एनबीबीएल जिसको बोलते हैं, इसके सीईओ कौन बने हैं? नुपुर चतुर्वेदी। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए, अभी हाल ही में दोस्तों एनबीबीएल जो है ये रिसेंट में ही हमारे एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है, और इसकी पूरी तरीके से होली ऑन सब्सिडरी है, मतलब 100% किसका पैसा है? एनपीसीआई का पैसा है दोस्तों। ये 1 अप्रैल 2021 से क्या हुई है, आपके आपके इफेक्ट में आ गई, मतलब इसने वर्क करना शुरू कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनबीपीएल का पूरा नाम, किसके अंदर काम करता है, ये सब आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं। लीजिए भाई, भाई अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारे होम सेक्रेटरी जी हैं मिस्टर अजय कुमार भल्ला जी, इनको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया, कि मतलब ये बोल दिया गया कि अब आप अनदर 1 ईयर तक क्या करेंगे, एज ए पोस्ट के तौर पर ये आपके होम सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे। तो मतलब एक सिंपल वे में आपको अच्छी बात हो गई कि आपको नया याद रखने की जरूरत ही नहीं है, जो पहले थे वही हैं, है ना। अजय कुमार भल्ला जी होम सेक्रेटरी हैं, इनको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, सिंपल वे आपको पता होना चाहिए, और ये इनका सेकेंड एक्सटेंशन है, ये भी आपको ध्यान दीजिएगा, मतलब ये बोला गया है। आगे देखते हैं। लीजिए भाई, भाई अभी हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उनके जो मंत्री हैं मिस्टर भूपेंद्र यादव जी, याद रखना दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा, ये बताओ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड इस समय क्लाइमेट चेंज मंत्रालय किसके पास है? भूपेंद्र जी। और इनके द्वारा अभी रिलीज किया गया है एक पॉपुलेशन एस्टिमेशन प्रोटोकॉल। अब ये क्या है एक्चुअली दोस्तों, इस प्रोटोकॉल का नाम से आपको समझ में आ जाएगा, इसका नाम है देखो ऑल इंडिया एलिफेंट एलिफेंट एंड टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेशन इन 2022। मतलब आप समझ रहे होंगे कि हमारे इंडिया में जितने भी एलिफेंट हैं और जो टाइगर्स हैं उनकी पॉपुलेशन को लेके बात बोली जा रही है, और इसका एस्टिमेशन किया जा रहा है 2022 को लेके। और याद रखना
ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा, जिसमें हम जो है पॉपुलेशन और टाइगर और किसका एलिफेंट का एस्टिमेशन कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता था बच्चों वर्ल्ड एलिफेंट डे है ना, आपको मैंने पढ़ाया था इससे पहले क्लास में, कब होता है जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, सारे बच्चे कमेंट में लिखो वर्ल्ड एलिफेंट डे कब होता है, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ जल्दी बताओ, ठीक है फटाफट फटाफट लिखो, फिर मुझे पता चलेगा कि आखिर आपको याद है नहीं। तो उसी दिन ये बात बोली गई थी, किसके द्वारा, भूपेंद्र जी के द्वारा, याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। तो हमेशा याद रखना ये होता है 12th अगस्त वाले दिन, बिल्कुल सही बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली न्यूज देखते हैं, लीजिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सारे दोस्त बहुत अच्छे भाई। अभी जैसे कि हम जानते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इसकी है चीफ साइंटिस्ट, क्या नाम है इनका, डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन, नाम तो सुना ही होगा आपने इनका। तो अभी हाल ही में डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन जी और जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, इन दोनों के बीच में अभी वार्तालाप हुआ, एक तरीके से ऐसा कह सकते हो कौन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कहते हैं ना, उस टाइप से बातचीत हुई है। और यहाँ पे इन्होंने जो करंट COVID-19 पेंडेमिक चल रहा है उसके एस्पेक्ट्स को लेकर और उसके इश्यूज को लेकर यहाँ पे बातचीत की है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है एक बात, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक साथ स्टेटमेंट लिखा है, ये देखिए पढ़िए, डॉक्टर सौम्या ने बोला है कि जो वैक्सीन है हम जो है इससे एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन नहीं ले सकते, लिखा है ना साफ साफ, बात क्यों समझ रहे हो, क्योंकि आपको पता है बच्चों वैक्सीन लग गई है, लोग सोचने लग गए कि हम तो भैया कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो कोविड से, अब कोविड हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे साफ साफ देखो बोला गया है कि ये जो है हमारे जो वेरिएंट्स आ रहे हैं इसके कोविड के, ये 100% प्रोटेक्शन नहीं देगा आपको, हो सकता है भैया कोई और खतरनाक वेरियंट आ जाए, हमारी वैक्सीन खराब ही हो जाए, काम ही ना करे, है ना, तो इससे बस आपके रिड्यूस हो सकता है रिस्क, रिस्क खत्म नहीं हुआ बट रिस्क रिड्यूस हुआ है ओनली। तो आपसे भी मैं बोलूंगा भैया वैक्सीन अगर लग गई है तो मास्क सैनिटाइजर वगैरह ये सब का यूज करते रहो, क्योंकि हल्के में मत लो, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लीजिए भाई। भाई अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने बोला है 42 वर्क्स जिनकी कॉस्ट है 615.48 करोड़, ठीक है। तो इन्होंने भाई अभी उत्तराखंड सरकार की रिक्वेस्ट पर, किसकी सरकार की रिक्वेस्ट पर दोस्तों, उत्तराखंड सरकार की रिक्वेस्ट पर सैंक्शन कर दिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। और किसके तहत, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक सिंपल वे में आपसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में ये बताइए कि उत्तराखंड में नितिन गडकरी के द्वारा अभी हाल ही में कितने प्रोजेक्ट आपके सैंक्शन करे गए हैं, सारे दोस्त लिखो 42, कितने कॉस्ट के हैं 615.48 के, ठीक है। इसके अलावा देखो जो हमारे गडकरी साहब हैं उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए का न्यू नेशनल हाईवे जो है उत्तराखंड में उसके लिए भी अनाउंस किया है, अनाउंसमेंट किया है कि हम 1,000 करोड़ रुपये रखेंगे नेशनल हाईवे के लिए और एडिशनल 300 करोड़ रखेंगे किसके लिए, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तौर पर, ये भी यहाँ पे बात बोली गई है। तो ये डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और सारी बात कौन से स्टेट को लेके हो रही है ये भी याद रखना, उत्तराखंड को लेके हो रही है ये भी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके सामने। भाई आप सबने काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम तो सुना ही होगा है ना, जो असम का एक नेशनल पार्क है, और ये बन गया है दोस्तों पहला नेशनल पार्क इंडिया का, फर्स्ट नेशनल पार्क जिसने सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे अभी हाल ही में यहाँ पे जो हमारे असम के चीफ सेक्रेटरी हैं जिष्णु जी, उन्होंने देखो ओवर 10 सैटेलाइट फोन्स अभी फॉरेस्ट पर्सनल को दिए हैं और ये जो है पहला नेशनल पार्क बन चुका है जहाँ पे सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है, ठीक है। और अभी हाल ही में ये बात क्यों आई है ये भी आपको बताता हूँ। एक्चुअली दोस्तों 27 मई की बात है, जो हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं उनके द्वारा ये बात, एक मीटिंग हुई थी काजीरंगा नेशनल पार्क में, उसी समय ये अनाउंस किया था सैटेलाइट फोन्स देने की, तो उसी के तहत ये हमारे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अब इससे क्या होगा, इससे दोस्तों जैसे कि जो हमारी जो एंटी पोचिंग मेजर्स होते हैं, एंटी पोचिंग मतलब समझते हो ना, जैसे कि शिकार के लिए जो है अपने फायदे के लिए या बेचने के, तस्करी वगैरह जो होती है ना, शिकार कर देना, उनको मार देना जानवरों को, तो उन सबको रोकने में, उन सबको बचाने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ रहेगा, किसका, इन सैटेलाइट फोन्स का, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए असम के बारे में याद रखना दोस्तों, इसकी कैपिटल है, CM आप जानती हैं विश्व शर्मा जी, और जगदीश मुखी यहाँ के क्या हैं दोस्तों, गवर्नर है। आगे देखते हैं, लो भाई भाई अभी हाल ही में नीति आयोग ने, जैसे कि आप जानते ही हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो नीति आयोग ने एक रिलीज किया एक हैंडबुक। अब ये क्या करेगा, ये भाई हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है दोस्तों और जो लोकल बॉडीज है उनको गाइड करेगा, किसको लेकर, कि आप कैसे रूल्स बना सकते हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हमारा उससे संबंधित जो चार्जिंग नेटवर्क है उनको कैसे बनाएं,
मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने की बात है, और उससे रिलेटेड अभी नीति आयोग ने गाइडलाइंस जारी की है कि कैसे आप इलेक्ट्रिक जो हमारे चार्जिंग नेटवर्क उसको बढ़ाएंगे, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, ये सारी इसमें बातें बताई गई। और इसको किसने बनाया है दोस्तों, इसको बनाया गया है किसके सपोर्ट से, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। ये तीनों पता होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और किसने रिलीज की है ये तो पता होना चाहिए, मिस्टर नीति आयोग ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत प्यारी न्यूज आगे आपका सुपरस्टार बैंक आ गया दोस्तों। भाई आरबीआई का नाम तो सुना ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी हाल ही में आरबीआई ने 1 करोड़ की पेनल्टी लगा दी, किसको लपेटा देखते हैं भाई। इस बार लपेटा है कोऑपरेटिव रोबो बैंक यूपी। एक्चुअली ये यहाँ का बैंक नहीं है, ये जो बैंक है दोस्तों इट इज एन डच मल्टीनेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है ये, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नीदरलैंड में, ये आप ध्यान रखना। एक्चुअली दोस्तों ये जो है एक देखा जाए तो ग्लोबल लेंडर है, किसमें फूड एंड एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग वगैरह में ये आपके लोन वगैरह प्रोवाइड करता है रोबो बैंक, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ का पेनल्टी लगा दिया है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इसने जो रेगुलेटरी कॉम्प्लियंसेज हैं, जो आरबी की गाइडलाइंस हैं, उसको सही से नहीं माना, कुछ कमियां छोड़ दी, जिसके कारण पापा जी ने बोला तुम ऐसे नहीं मानोगे, चलो लपेट देते हैं, ठीक है। तो 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है इसका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। ये कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका आपके नीदरलैंड, नीदरलैंड में भी एक जगह है उट्रेच्ट, यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत अच्छी न्यूज भाई। अभी हाल ही में एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है मिस्टर सुधीर कुमार सक्सेना जी, तो सुधीर कुमार सक्सेना को दोस्तों अपॉइंट कर लिया गया है सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरीएट के तौर पर। अब ये किसमें सेक्रेटरी हैं, इसमें बच्चों आप एक्चुअली बताए ना डिविजन होते हैं, तो सिक्योरिटी जो डिविजन है उसमें इनको एज ए सेक्रेटरी के तौर पर चुना गया है, याद रखिएगा, ठीक। तो एक सिंपल वे में आपसे पूछ सकता है, अभी हाल ही में कैबिनेट सेक्रेटरी है, जो सेक्रेटरी हमारे सिक्योरिटी के क्षेत्र पर बने हैं, वो हमारे कौन है, मिस्टर सुधीर कुमार सक्सेना जी। और ये अगर देखा जाए तो भाई मध्य प्रदेश कैडर के हैं, आईपीएस ऑफिसर 1987 बैच के। चलिए आगे देखते हैं लीजिए भाई, अगली न्यूज के बारे में अगर बात किया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट भाई। अभी हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस दिए गए, और उसमें हमारे 152 पुलिस ऑफिसर्स को सम्मान दिया गया, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये अभी दिए गए हैं यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में, और इस बार कितने पुलिस ऑफिसर्स को सम्मान दिया गया, 152। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, इन 152 में से 28 वुमेन पुलिस ऑफिसर्स थी, ये भी आपको रटा होना जरूरी है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा टोटल कितने वुमेन कितनी थी, दोनों पता होने चाहिए, तो ये आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। अभी देखो इनके अवार्ड्स तो बॉस 152 का नाम तो याद नहीं करोगे, है ना, तो बस इनके नंबर याद रखो कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं, और याद रखना जो मेडल है 2018 में बनाया गया था, और इसका मेन पर्पज क्या है, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स वगैरह होते हैं जो हमारे, है ना, उसमें जो लोग इतना अच्छा परफॉर्म करें उनको सम्मान देना है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज के बारे में अगर बात किया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट भाई, अभी हाल ही में वर्ल्ड एथलेट्स रैंकिंग 2021 आई है, और उसमें हमारे गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर नीरज चोपड़ा जी नंबर 2 रैंक पे आ चुके हैं। लो भाई भाई, जैसे कि इन्होंने टोक्यो में इंडिया का नाम रोशन करा, गोल्ड मेडल जीता, और उसी के कारण इनकी रैंकिंग नंबर 2 हो चुकी है। इनसे पहले सिर्फ एक पर्सन है, वो है कौन, जर्मन एथलीट जिनका नाम है जॉन स्वेटर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। देखो पूरी रैंकिंग आपको दिखाता हूँ, ये आपकी टोटल रैंकिंग है, तो आपको नंबर 1 वाला तो पता होना चाहिए, जॉन स्वेटर हैं, और हमारे नीरज चोपड़ा जी 2nd नंबर पे। अगर आप ध्यान रखना चाहो तो टॉप 3 ध्यान रख लो, और कोई ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्योंकि यहीं से आपका एग्जाम में आ सकता है। इंडिया के तो पता होना चाहिए, इनसे पहले वाले पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं लीजिए भाई, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अटेंड किया गया, एड्रेस किया गया एक समिट जिसका नाम है इन्वेस्टर समिट, और ये कहाँ हुआ था दोस्तों, गुजरात में, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये समिट हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो है क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि हम बनाएंगे व्हीकल स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे, अहमदाबाद में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो भाई व्हीकल स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात यहाँ पे बोली गई है। इस पार्ट में अगर समिट का भाग देखें तो दोस्तों यहाँ पे मोदी जी ने एक स्कीम भी लॉन्च करी, नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी, ये भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। अब ये जो पॉलिसी है देखो, इससे क्या होगा, जो हमारे ये जो नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग
स्क्रैपेज पॉलिसी है भाई, जो हमारे पुराने और ओल्ड व्हीकल्स हो चुके हैं उनको जो है ये रिमूव करेगी, उनको दोबारा से उनको सही करेगी, है ना, जिससे कि जो हमारा पॉल्यूशन है उनको कंट्रोल किया जा सके और एनवायरनमेंट को थोड़ा सा बचाया जा सके। जैसे देखो लिखा भी यहाँ से, पॉल्यूशन कम होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, इस सभी कामों के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना दोस्तों, इस प्रोग्राम के लिए यानी कि इस, जैसे कि मैंने ही बताया कि गवर्नमेंट बनाएगी क्या व्हीकल स्क्रैपेज स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी कहाँ पे, अहमदाबाद में, तो इसके लिए किसी के साथ तो हाथ मिलाया होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए गुजरात सरकार ने हाथ मिलाया है किसके साथ, टाटा मोटर के साथ, ये याद रखना। सीधा क्वेश्चन मारेगा एग्जाम में उठा के मुंह पे आपके, ये बताओ अभी हाल ही में व्हीकल स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि अहमदाबाद में बनेगा, तो ये बताइए कहाँ पे, इसके लिए गुजरात ने किसके साथ हाथ मिलाया है, टाटा मोटर्स के साथ हाथ मिलाया है, जिससे कि इस फैसिलिटी को लॉन्च किया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, आपने एक नाम सुना होगा दोस्तों, इबसा, इंडिया ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, इट इज अ ग्रुप ऑफ 3 नेशंस। तो इसकी अभी टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ है वर्चुअली, और इसको हमारे इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया, सबसे पहली चीज ये आपको पता होना जरूरी है ना। और अगर बात करा जाए तो हमारे श्री जी किशन रेड्डी जी इसमें गए थे, और उन्होंने, अब तो गए क्या, वर्चुअली हुआ है दोस्तों, वैसे भी ऑनलाइन ही है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो इसको जो है चेयर किया था, ये आपको ध्यान रखना कि आखिर किसने चेयर किया किशन रेड्डी जी के द्वारा, और होस्ट इंडिया ने किया था, कितने ग्रुप्स हैं इसमें, कितने देश आते हैं, ग्रुप ऑफ 3 नेशंस, इंडिया ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। और यहाँ पे मेनली क्या बोला गया है कि हम टूरिज्म को कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे टूरिज्म को सेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों अभी कोविड के कारण जो सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ है देखा जाए तो बेचारे टूरिज्म सेक्टर के तो हालत ही खराब हो गई है ना। 2020 2021 में भी कहाँ लॉकडाउन वॉकडाउन में देख रहे हो कितना बुरा हाल कर देता, तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए मीटिंग रखी गई है। चलिए आगे देखते हैं, देखो ये हमारे किशन रेड्डी जी आपके सामने, लीजिए भाई, अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है आपका एक मिलिट्री एक्सरसाइज है दोस्तों, जिसका नाम है सी कैट। सी कैट का फुल फॉर्म जानते हैं, साउथ ईस्ट एशिया कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ हुआ था दोस्तों, सिंगापुर में हुआ था, और इसको कौन लीड करा था, यूएस नेवी के द्वारा लीड करा था। तो मतलब यूएस नेवी के द्वारा, एक लीड किया गया था आपका एक्सरसाइज जिसका नाम था सी कैट, और एक मिलिट्री एक्सरसाइज है सिंगापुर में हुआ, और उसमें हमारे इंडियन नेवी ने हिस्सा लिया। और याद रखना ये हमारा 20 नंबर का एडिशन था, ये भी यहाँ पर बोला गया है, और इसको जो है ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था, यूएस नेवी, जैसे कि मैंने बताया। और ये हाइब्रिड फॉर्मेट में होता है, हाइब्रिड फॉर्मेट मतलब आपका वर्चुअल प्लस आपका फिजिकल दोनों फॉर्म में किया गया था। अब इसमें वो बात किया जाए तो लगभग लगभग देखो अप्रॉक्सीमेट 400 पर्सनल और 10 शिप्स यहाँ पे शामिल थे, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और इसका मेन पर्पज क्या है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जो अपनी मैरिटाइम सिक्योरिटी है उसको कैसे इम्प्रूव करें, उसी के लिए इसको किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली याद रखना इन सब जितनी भी एक्सरसाइज होती है उनके मेनली पर्पस यही होते हैं कि अपने आप को मजबूत बनाना। ठीक, लीजिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके सामने है भाई, जैसे कि आपने देखा अभी ओलंपिक्स खत्म हो चुके हैं, अब हो रहे हैं स्टार्ट पैरा ओलंपिक्स, है ना। तो याद रखिएगा इंडिया की तरफ से जो पैरा ओलंपिक्स है उसमें हमारे 54 पैरा स्पोर्ट्समैन पार्टिसिपेट करेंगे, और ये हमारे 9 स्पोर्ट्स में खेलेंगे, मतलब 9 खेल और हमारे टोटल 54 आपके पैरा स्पोर्ट्स में शामिल हो रहे हैं, इंडिया की तरफ से 54 लोग जा रहे हैं। और याद रखना ये कब से शुरू हो रहा है दोस्तों, ये जापान में होगा टोक्यो में, और ये 24 अगस्त से होगा, 5 सितंबर तक चलेगा, ये आपको बताना जरूरी है। ठीक है, तब यहाँ पे भी भाई देखते हैं क्या क्या परफॉर्मेंस रहती है, इंडिया कितना अच्छा परफॉर्म करता है, तो आपको सब पता होना चाहिए, अब ये तो भविष्य बताएगा। चलो दोस्तों आगे देखते हैं, लीजिए भाई, अभी हाल ही में जैसे कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी कल राष्ट्र को संबोधित किया गया 15 अगस्त वाले दिन, और मोदी जी ने अभी बोला है कि हम 14 अगस्त को बनाएंगे दोस्तों क्या, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर बनाने की बात बोली गई है, और दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने, जब पार्टीशन हुआ था देश का, बंटवारा हुआ था, तो उन्होंने जो अपने सेक्रीफाइस किए हैं, जो स्ट्रगल किया, उनको सम्मान देने के लिए आपको बनाने की बात बोली गई थी। आपको ध्यान हुआ कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था लगभग 5-6 मिनट का, जिसमें इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स बताए थे, और शायद मैंने पहला हाईलाइट ये बताया था 14 अगस्त। अगर आपने मोदी जी की स्पीच सुनी हो कल, तो मोदी जी ने सबसे पहला अनाउंसमेंट यहीं से स्टार्ट हुआ था, याद रखना। ठीक है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। और इस बार का जो इंडिपेंडेंस डे था दोस्तों 75th था, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं
लीजिए भाई, बड़ी प्यारी न्यूज़ भाई। अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च करा है एक ऑनलाइन पोर्टल। अरे क्या नाम रखा है भाई इसका, तपस। लो भाई, ये तो आपके दोस्त आ रहे हैं, है ना दोस्तों। तो तपस को लॉन्च कर दिया है आपके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब तपस क्या है? तपस का फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर ऑक्यूमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। तो ये आप ध्यान रखना। तो इसको लॉन्च किया गया तपस को, ठीक है। और ये क्या करेगा? ये हमारे प्रोवाइड करेगा फिल्म लेक्चर्स, कोर्सेज और ई स्टडी मटेरियल इन द फील्ड ऑफ सोशल डिफेंस। लीजिए भाई, तो सोशल डिफेंस के क्षेत्र में ये आपके कोर्सेज जो होते हैं ना, ई मटेरियल वगैरह, वो आपका वो प्रोवाइड करेगा, याद रखना, ठीक है दोस्तों। और याद रखना, अभी हाल ही में इसमें 5 कोर्सेज हैं तपस के अंतर्गत। अब जैसे कि हमारे ड्रग्स अब्यूज प्रिवेंशन कोर्स हो गया है ना, ये अलग अलग कोर्सेज हैं, आपको ध्यान नहीं रखने को ज़्यादा खास नहीं है। फिलहाल आपको 5 कोर्सेज याद रखना है, तपस का पूरा नाम याद रखना है, इसका वर्क क्या है वो याद रखना है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट, ये किसका इनिशिएटिव है वो याद रखना है। ये किसका इनिशिएटिव है दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये आपको सारे पॉइंट बताने जरूरी है, आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया एक चिप जिसका नाम है इंडिगाओ। भाई गौ माता का नाम सुना है दोस्तों? गाय जो होती है ना, इंडिगाओ चिप लॉन्च किया, और ये इंडिया का पहला फर्स्ट कैटल जेनोमिक चिप है। अब ये क्या करेगा? ये हमारी जो वैरायटीज होती हैं दोस्तों, हमारे जैसे कि आपने अलग अलग वैरायटीज के नाम सुने होंगे, गिर है, कंकरेज है, साहिवाल है, ओंगेले है, तो इनकी प्योर वैरायटीज को कंजर्व करेगा, जिससे कि इनको बचाया जा सके। और ये जो चिप है दोस्तों, किसने बनाई है? ये हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई है, कहाँ के? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, NAIB के, जो हैदराबाद में पड़ता है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा NAIB कहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए हैदराबाद में, ये भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। चलिए बच्चों, और इसका मेन पर्पस मैंने बता दिया है, कंजर्वेशन करना ब्रीड्स को। और जैसे कि हमारा गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम फार्मर्स की इनकम डबल करेंगे 2022 तक, उसको ये अचीव करने में हेल्प करेगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है सरकार के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, सीधी सादी सी न्यूज़ है भाई, अभी हाल ही में जो स्मृति ईरानी जी हैं, जैसे कि आप जानते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया है क्या, एक सेकेंड फेज किसका? संवाद का। संवाद का मतलब क्या होता है दोस्तों? सपोर्ट एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन इन वल्नरेबल सरकमस्टेंसेस एंड डिस्ट्रेस। एक तरीके से ये हमारा कुछ नहीं है दोस्तों, ये मेंटल हेल्थ, जो हमारा साइकोलॉजिकल केयर होती है चिल्ड्रंस की, उससे संबंधित है संवाद, और इसका सेकंड वर्जन लॉन्च करा है, सेकंड फेज लॉन्च किया स्मृति ईरानी ने, ये आपको पता होना जरूरी है। तो सारे दोस्त कमेंट में लिखते रहा करो, कौन से नंबर का फेज लॉन्च किया है और किसका लॉन्च किया है, आपको पता होना चाहिए, किसने लॉन्च किया? स्मृति ईरानी ने। चलिए भाई, बहुत प्यारी न्यूज, अभी इंडिया का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब और रिसर्च सेंटर कहाँ पे बन गया है? केरल में बन चुका है, और इसके उद्घाटन अभी करा गया है मिस्टर केरल के सीएम में जो है मिस्टर पिनियारी विजयन जी के द्वारा, ये भी आपको पता होना जरूरी है दोस्तों। और आपको समझ सकते हो, फॉरेंसिक लैब है इंडिया की पहली और रिसर्च सेंटर है, तो ये क्या करेगा? जो हमारे अनऑथराइज ड्रोन्स हैं उसके ऊपर अपनी तीखी नज़र बनाए रखेगा, और ऐसी एक्टिविटीज को इन्फॉर्म करेगा, हमारे पुलिस वगैरह ऑफिसर्स को मदद करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत प्यारी इंफॉर्मेशन आपके सामने। बच्चों आपने एक नाम सुना होगा, रामसार साइट्स, है ना? तो अभी हाल ही में अगर बात किया जाए तो रामसार साइट में 4 नए इंडिया के वेटलैंड को शामिल कर लिया गया है, और इनको दर्जा दे दिया गया है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये भैया रटे होने चाहिए चारों के नाम, ये कहाँ कहाँ पे हैं? एक तो है गुजरात, दो तो गुजरात के हैं, दो हरियाणा के हैं, सीधा सीधा है, एक थोल, एक हमारा बादवाना, ये दोनों गुजरात के, सुल्तानपुर और भिंडावास, ये हरियाणा के, दोनों को, चारों के नाम आपको पता होने जरूरी हैं। और इस तरीके से इनके इंक्लूड होने से दोस्तों, अब हमारे इंडिया में जो टोटल रामसर साइट्स हैं वो टोटल कितनी हो चुकी है? 46। ऐसी सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं? खत्म कहानी, 46 हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए लीजिए भाई बच्चों, अभी WHO के बारे में अगर बात किया जाए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो इसने अभी एक नया एडवाइजरी ग्रुप बनाया है, और उसका नाम रखा है सागो। क्या नाम रखा है दोस्तों? सागो। सागो मतलब साइंटिफिक इंट एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन्स ऑफ नोबल पैथोगन्स, इस ग्रुप का नाम रखा है सागो, ठीक है। अब ये क्या करेगा? जैसे कि बच्चों अभी हमने देखा पैंडेमिक आई, इतना बड़ा कोरोना वगैरह है ना क्रिएट हुआ, इतनी सारी समस्याएं आई, तो इस टाइप की समस्या फ्यूचर में ना आए, या इनको कैसे हम हैंडल करें, यहाँ तक कि COVID-19 जो चल रहा है उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, तो उन सभी के ऊपर ये डिस्कस करेगा। उनको उन्हीं के लिए एक एडवाइजरी ग्रुप ये बनाया गया है, जिसका नाम है सागो। एक सिंपल में मैं आपको बताना चाहिए, WHO के द्वारा लॉन्च किया सागो, जिससे कि हमारा जो हमारे पैथोगॉन्स हैं आने वाले फ्यूचर के, उनको कैसे टैकल किया जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। बहुत आसान न्यूज भाई, आदि गोदरेज का नाम तो सुना ही होगा, है ना भाई? आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा दोस्तों, गोदरेज नाम तो काफी है घरों में सबके। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन हैं मिस्टर आदि गोदरेज जी, ये भैया इस्तीफा दे रहे हैं 1 अक्टूबर वाले दिन। चलो भाई अब क्या होगा, इनकी जगह कौन आएंगे? इनके इनकी जगह इनके यंगर ब्रदर आएंगे दोस्तों, नादिर गोदरेज। कौन आएंगे? नादिर गोदरेज। चलो भाई आदि हट जाएंगे, नादिर आ जाएंगे। लेकिन याद रखना यहाँ पे एक बात बोली गई है, एट प्रेजेंट जो हमारे नादिर जी हैं वो क्या कर रहे हैं, एमडी के तौर पे काम कर रहे हैं इस कंपनी के। दूसरी चीज, आदि गोदरेज जी आपके जो है हमारे गोदरेज इंडस्ट्री से तो इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू करेंगे सर्व एज ए गोदरेज ग्रुप के। दो चीज अलग है दोस्तों, एक गोदरेज इंडस्ट्री, एक है गोदरेज पूरा ग्रुप, है ना? तो ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर काम करते रहेंगे, बट इंडस्ट्री से इस्तीफा दे रहे हैं 1 अक्टूबर वाले दिन। और कौन बन जाएंगे इनकी जगह? नादिर जी आ जाएंगे, ये भी पता होना जरूरी है। चलिए लीजिए अगली न्यूज के बारे में बात किया जाए, तो भाई अभी हाल ही में वर्ल्ड कप विनिंग अंडर 19 इंडिया के कैप्टन हैं उन्मुख चंद जी, इन्होंने भाई क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। एक सिंपल वे पता होना चाहिए, उन्मुक्त चंद नहीं, उन्मुक्त चंद जी ने रिटायरमेंट घोषित कर दिया। किस खेल संबंधित है दोस्तों? ये आपके क्रिकेट संबंधित है, अंडर 19 इंडियन कैप्टन है। चलिए आगे देखते हैं, ये इनके बारे में देखो फोटोग्राफ लीजिए भाई। अभी हाल ही में हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी मिस्टर एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा रिलीज किया गया एक बुक जिसका नाम है एक्सिलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। अब भाई आप समझ सकते हो, है ना? तो इस मोदी सरकार के जो 7 साल हुए हैं उसको लेकर यहाँ पे बातचीत हुई है, और इसको अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा निकाला गया है, ठीक है? और ये जो हमारी बुक है वेंकैया नायडू जी ने पूरा है एज ए हमारा 75th ऑफ ईयर्स हुए हैं हमारे इंडिपेंडेंस के, उसको सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर निकाला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, सब इस बुक में क्या क्या चीज़ें बताई गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है भाई। अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने दोस्तों, किसने? इंडियन नेवी ने और IDFC बैंक ने, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया वैसे इसका नाम बदल के, पहले IDFC बैंक था, इन दोनों ने मिलकर MOU साइन किया और एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है ऑनर फर्स्ट। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये एक प्रीमियम बैंकिंग सॉल्यूशन है जो कि जनरली हमारे जो नेवी पर्सनल्स हैं और वेटरन्स हैं नेवी के, उनके लिए निकाला गया है ऑनर फर्स्ट। तो एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, ये बताओ ऑनर फर्स्ट कौन लाया? आपका आंसर होगा IDFC फर्स्ट बैंक लाया। और इसके बारे में अगर बात करा जाए तो दोस्तों याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर मुंबई पड़ता है, 2018 में ये बना था, और वी विद्यानाथन इसके क्या है, MD और CEO के तौर पर काम कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज भाई। HCL का नाम जानते ही होंगे आप सब लोग, है ना? HCL बहुत बड़ी कंपनी इंडिया की। तो HCL टेक्नोलॉजी की मार्केट कैपिटलाइजेशन भाई पहली बार 3 ट्रिलियन टच हो चुकी है लो भैया, और ये जो है इंडिया की चौथे नंबर की IT कंपनी बन चुका है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। किसके बाद? इससे पहले तीन और हैं, कौन कौन सी दोस्तों? TCS, इंफोसिस और विप्रो, तीन हुई महान है, तीनों के नाम सुने होंगे आपने। तो मतलब TCS नंबर 1, विप्रो इंफोसिस सेकंड, विप्रो थर्ड, और HCL कौन से नंबर पर खड़ा हो गया है? फोर्थ पे आ चुका है, याद रखना। HCL के बारे में बात करा जाए तो हेडक्वार्टर्स का नोएडा पड़ता है, और विजय कुमार जी इसके क्या है, CEO के तौर पर काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों? आगे देखते हैं, लीजिए भाई भाई अभी हाल ही में इंडियन बैंक ने, जैसे कि हम जानते हैं इंडियन बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक, इसने पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अब ये क्या करेगा भाई, जैसे कि हम देख रहे हैं पैरा ओलंपिक्स होने वाले, है ना? तो उसी के लिए जो हमारे पैरा ओलंपिक एथलीट्स हैं उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो लीजिए भाई इंडियन बैंक ने बोला है हम पैरा एथलीट्स को फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, और उसके लिए इसने पैरालंपिक कमेटी के साथ हाथ मिलाया है। और याद रखना दोस्तों पैरालंपिक कमेटी जो है उसकी प्रेसिडेंट कौन है इस समय? दीपा मलिक, इनका तो नाम जानते ही होंगे, है ना? इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर आपको चेन्नई में है, पद्मराजा चंद्रू जी इसके क्या कर रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं। देखो कितना अच्छा दृश्य है आपके सामने, है ना? ये देखिए दीपा मलिक जी। चलिए आगे देखते हैं, लीजिए भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दोस्तों अभी यहाँ के CM उद्धव ठाकरे जी और लॉन्च किया इन्होंने ई क्रॉप सर्वे इनिशिएटिव। लो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ई क्रॉप सर्वे इनिशिएटिव महाराष्ट्र लाई है, और ये जो है 15 अगस्त से इसको लॉन्च कर दिया गया है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बोला गया है कि यहाँ पे फार्मर्स जो है अपनी क्रॉप को क्या करेंगे, रजिस्टर्ड करवाएंगे, और उस
पर वो अब वो क्रॉप लोन्स की फैसिलिटी ले सकते हैं और क्रॉप इंश्योरेंस का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, ई क्रॉप सर्वे कौन लाया? सारे दोस्त कमेंट में लिखते चलो फटाफट फटाफट लिखा करो, महाराष्ट्र लाया है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के बारे में बात करा जाए तो भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर, ठाकरे साहब यहाँ के कौन है दोस्तों, आपके सीएम है। चले लीजिए भाई, अगली न्यूज के बारे में अगर बात किया जाए तो अपेडा, अपेडा का नाम सुना होगा आपने बच्चों, जो एग्रीकल्चर से संबंधित एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसने हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर के साथ हाथ मिलाया है और यहाँ पे जो है बोला गया है हम एक्सपोर्ट करेंगे 5 यूनिक वेराइटीज एप्पल्स की। लो भैया, सेब की यूनिक वेराइटीज को एक्सपोर्ट करने की बात बोली जाएंगी। अब वो कौन कौन सी वेराइटी है, पांचों का नाम सुन लो। एक है रॉयल डिलीशियस, एक है डार्क बैरन गाला, एक है स्कारलेट स्पर, एक है रेड वेलॉक्स, एक है गोल्डन डिलीशियस टू बहरीन। तो ये सब बहरीन को भेजा जाएगा ऐसा यहाँ पे बोला गया है। गोल्डन डिलीशियस मतलब ये अलग अलग वेराइटीज के नाम है, ठीक है, और ये किसकी है दोस्तों, आपकी एप्पल की वेराइटीज, ठीक है। चले आगे देखते हैं। ये भाई अभी बड़ी दुख भरी खबर, अभी हाल ही में फॉर्मर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर से दोस्तों गोपाल भेंगरा जी, इनकी डेथ हो चुकी है और ये 75 ईयर्स के थे, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इन्होंने दोस्तों इंडियन नेवी में भी काम किया था, इनके हाल ही में इनका देहांत हो चुका है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, तो लो भाई सारी न्यूज़ हो गई कंप्लीटेड आज। लगभग लगभग देखा जाए तो आई थिंक मेरे हिसाब से 40 to 45 के अराउंड न्यूजेज होंगी क्योंकि 3 दिनों की थी, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई तो एक बार कमेंट में लिख दो यस सर क्लियर हो चुकी हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो ध्यान से, कल है ट्यूसडे है ना, तो मैं आपको पहले से आज ही अनाउंस कर देता हूँ, कल जितनी भी मैंने न्यूज़ आपको पढ़ाई है जितनी भी, इन सब का टेस्ट होगा MCQ की फॉर्म में। कहाँ पे होगा? अन अकेडमी की स्पेशल, जिसको फ्री क्लास के नाम से भी जानते हो दोस्तों, 11:30 बजे, ठीक है। तो याद रखना इन पर बेस्ड MCQ होंगे 11:30 बजे, तो आप अच्छे से इनको पढ़ के आना सारे के सारे दोस्त, पहली बता रहा हूँ। और क्लास का लिंक मैं आपको कल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। कौन से इंडियन आर्मी है? हाँ मैंने नेवी थोड़ी बोला था, इंडियन आर्मी बोला था बेटा, इंडियन आर्मी के तौर पर सर्व किया है, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। चले एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं आज की फ्री क्लास के बारे में, आज शाम को 7 बजे फ्री क्लास है, याद रखना। जिसमें क्या होगा वो भी सुन लो, जिसमें कंप्लीट जून का टेस्ट होगा अच्छे से। आज मैंने जून मंथ को टारगेट किया है, बढ़िया बढ़िया जून के क्वेश्चंस लाएंगे, तो अच्छे से पढ़ के आना। जून मंथ का टेस्ट होगा शाम को 7 बजे, फ्री फॉर ऑल सभी के लिए है, ठीक है। अब अगली क्लास कब है? अभी मैं मिलूंगा आपसे 10 बजे दोस्तों, और 10 बजे भी प्लस क्लास में आज एक टॉपिक था बैंकिंग हिस्ट्री, जो मैंने पिछली क्लास में कवर करा था, उसका टेस्ट लेंगे प्लस फिर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो चलो दोस्तों 10 बजे प्लस क्लास में मिलते हैं, और फिर उसके बाद अपनी 1:30 बजे वाले जो प्लस क्लास है उसमें मिलेंगे आप सभी के साथ, है ना। इसमें आप टारगेटेड पार्ट पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन पर प्लस सब्सक्रिप्शन है, जिनको फटाफट फटाफट क्विक रिवाइज करना है, तो आप उसमें आप आ जाया करो। ओके रंजन जी, रंजन जी बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज ऑफ क्लास आपका ऐड कर दिया जाएगा। एक्चुअली मेरे माइंड से स्किप हो गया था, वो मैं आपको ऐड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। पीडीएफ पीडीएफ बेटा इसकी जो मिलेगी गौरव जी, जो आपके सामने टेलीग्राम चैनल दिख रहा है मेरे आपके स्क्रीन पे, जो आपको देखो पट्टी चल रही है ना, आप लिखा है जी ए वाई सुकेश पटनागर, उसमें आपको मिलेगा। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दो टेलीग्राम चैनल दिए गए हैं उनमें भी आपको मिल जाएगा, कहीं पे भी आप ले सकते हो, आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जो आपके लाइन चल रही है, इसमें आपको क्लास का पूरा स्केड्यूल भी मिलता है मेरी, और सारी PDFs मिलती हैं, ठीक है। चले और ये भाई अभी 11 अगस्त से कुछ न्यू कोर्सेज आए, बैचेज आए, इनको आप बेनिफिट उठाएं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट जरूर लिया करो आप, है ना, जो कि एवरी संडे होता है 10 बजे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 29 अगस्त को होने वाला है मेगा कॉम्बैट, तो इसमें जरूर हिस्सा ले लेना भैया, 50 मिनट में 36 क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया उपहार जीतने का मौका मिलेगा आप सभी दोस्तों को, है ना। और इस समय भाई सब्सक्रिप्शन वगैरह पे ऑफर भी अच्छा है, आप उनका ही बेनिफिट लें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते समय या कोई भी स्टूडेंट अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करता है, तो मेरा रेफरल कोड गेट लाइव लगा सकता है, इससे उसको डिस्काउंट भी मिलेगा और आपके अनअकैडमी कॉम्बैट में एंट्री भी मिल जाएगी, यहाँ तक कि फ्री क्लास में भी एंट्री मिल जाएगी, इस कोड से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे फिर हम कल आपसे डेली करंट के साथ। एक इंपॉर्टेंट चीज, आज शाम को लेके आऊंगा मैं जून मंथ के इंपॉर्टेंट डेज लाइव शाम को 6 बजे, ठीक है। तो ये मेरे को ध्यान नहीं रहा बताने का, अभी मैंने आपको बता दिया, तो इसमें भी आप सारे दोस्त जरूर आना शाम को 6 बजे, इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है, सारे जून के मंथ को कवर करेंगे। चलिए जय हिंद जय भारत।